गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों के खातिर, गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों के खातिर, अगर गिरते सिर्फ इश्क़ खुदा में तो कोई हसरत अधूरी न रहती। यकीन करो तुम नमाज फजर कायम करो, अल्लाह तुम पर पूरा दिन अपनी रहमत कायम करेगा। हमारा हर काम आसान होगा जिस दिन का पहला काम नमाज होगा। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। अगर तुम्हें नमाज से सुकून नहीं मिलता तो तुम सुकून से नमाज पढ़ लिया करो। अल्लाह के लिए वक्त निकालो और वक्त पर नमाज अदा करो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम्हारा अगली नमाज पढ़ने का दिल करे। नमाज अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन जरिया है। अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। जब 5 वक्त की नमाज भी रब से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नमाज वो वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ने आसमान से वही के ज़रिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। पता है अल्लाह को क्या पसंद है? तुम्हारी सर्दी की नमाज। जब तुम अपना गर्म बिस्तर छोड़कर नमाज फजर के लिए उठते हो और उसकी मोहब्बत में ठंडे पानी से वज़ू करते हो तो ये मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाती है। कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे? इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे? रोज कहते हो कल से पढ़ेंगे नमाज, कल आंख ना खुली तो क्या करोगे? कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया।